में ईवीएम से ही होंगे निकाय के चुनाव, राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का बयान। दिग्विजय सिंह ने की थी मतपत्र से चुनाव कराने की मांग। सदन में गूंजा प्राचीन मंदिरों का मुद्दा, कांग्रेस विधायक ने मंदिरों पर ध्यान नहीं देने के लगाए आरोप। बोले मंत्री मोहन यादव, हमारी सरकार मंदिरों की सरकार है और हम मंदिर बनवाते हैं। जबलपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कांग्रेस नेता जितेंद्र डागा के ठिकानों पर निगम की कार्रवाई, चूना भट्टी में अवैध वर्कशॉप, कोयफिजा में अवैध स्विमिंग पूल पर चढ़ा बुलडोजर। और पूर्व मंत्री अंदल सिंह कंसाना के बेटे की बढ़ी मुश्किलें, राजस्थान पुलिस ने बंकू कंसाना के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। कमलनाथ सरकार गिराकर बीजेपी में शामिल हुए थे कंसाना। स्वागत है आप सभी का सिटी सिक्स पर। नमस्कार, आपके साथ में हूं अंकुश वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे, ये कहना है राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का। उन्होंने कहा ईवीएम से चुनाव हो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, साथ ही कहा परीक्षा और त्यौहार को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखें तय की जाएंगी। बिल्कुल सवाल नहीं खड़ा होता। हम तो नोटिफिकेशन तक करा चुके हैं कि ईवीएम से कराएंगे, तो इसमें कोई सवाल नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं। ईवीएम से मांग खारिज कांग्रेस की? नहीं, खारिज हम क्या करेंगे भाई, हम निवेदन कर सकते हैं कि नहीं ईवीएम से ही करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी चुनाव होंगे वो इस तरीके से होंगे कि वो परीक्षाओं को डिस्टर्ब नहीं करें चुनाव। और अब वो पुराना जमाना भी नहीं रहा कि भोंपू लगा रहता था और शोर मचा रहता था, अब तो बहुत सारे बंधन चुनाव प्रचार पर भी हैं, वो इन चुनावों में भी लागू रहेंगे, तो बहुत ऐसा नहीं होगा कि कोई परीक्षा को दिक्कत हो जाए। और प्लस हमारे अधिकांश पोलिंग बूथ जो हैं वो विद्यालयों में होते हैं, तो अगर परीक्षा होने वाली है तो वोटिंग ही नहीं होगी, तो इस तरीके की वोटिंग हम थोड़े कराएंगे, एग्जाम रोक के थोड़ी वोटिंग हो सकती। कांग्रेस विधायक रविन्द्र सिंह तोमर के मंदिर मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के बयान से सदन में कुछ देर के लिए गतिरोध बना। विभागीय मंत्री उषा ठाकुर ने इसके जवाब में कहा ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत नहीं आते। इस पर विधायक तोमर ने कहा तो ये प्रस्ताव केंद्र को भेज दें, वहां की सरकार तो मंदिरों की सरकार है। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूछ लिया तो क्या आप मंदिर विरोधी हैं। इसके बाद सदन में नोकझोंक होने लगी। वहीं पर्यटन मंत्री ने भी कहा हाँ हम मंदिर बनवाते हैं। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। कई प्रश्नों को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया। विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पेंडिंग मामलों को लेकर सवाल किया, साथ ही सुझाव स्वरूप मोबाइल यूनिट के जरिए पोस्टमार्टम किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अभी फिलहाल 18 मामले ही पेंडिंग है और बाकी सभी मामलों की रिपोर्ट आ चुकी है। विपक्ष के सुझाव पर टीएस सिंहदेव ने कहा पहली बार हमारे समक्ष सुझाव आया है, इस पर विचार किया जाएगा। देखिए प्रश्नकाल में एक महत्वपूर्ण विषय, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंट में लगातार मृत्यु हो रही है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंट ना हो और समाचार पत्र या टीवी के माध्यम से आपको देखने को ना मिले। किंतु जो क्लेम करने वाले हैं परिवार है या इंजोर्ड पर्सन है, वो जब भी क्लेम करने के लिए जाएंगे या जिनकी परिवार के मृत्यु हो गई है, कोई क्षतिपूर्ति की राशि की बात होगी, तो सबसे पहला उसमें जो प्रश्न है कि एफआईआर की कॉपी चाहिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए। लगभग 317 मामला पेंडिंग रहा और इस मामले को लेकर के आज सदन में उठाया गया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि केवल 18 मामला शेष बचे हुए हैं, बाकी की रिपोर्ट आ गई है। इसको लेकर के परेशान लोग रहते हैं कि इसके लिए भी परिवार के हताहत होने के बाद में या मृत्यु के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उनको घूमना पड़े। उसमें
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आदान प्रदान में व्यवहार में कमी आ रही थी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के बीच में, तो बातें जो रखी गई थी वो सही थी कि इतने रिपोर्ट्स पेंडिंग थे। आज के दिन में 18 रिपोर्ट पेंडिंग है 7 फरवरी की स्थिति में, 8 बिलासपुर के, बिलासपुर में कोटा में जो डॉक्टर पदस्थ थे उनकी मृत्यु होने के कारण वो रिपोर्ट नहीं आई है, उसकी भी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज में 10 रिपोर्ट पेंडिंग है, 189 रिपोर्ट में से आज के दिन 10 रिपोर्ट पेंडिंग है। यहाँ दिक्कत ये आती है कि करीब 68 थानों के पोस्टमार्टम के केसेस एक ही अस्पताल में जा रहे हैं, तो एम्स से भी हम लोगों ने बात की है, सहृदयता से उन्होंने सहमति दी है, तो थानों को बांट देंगे, कौन से थाने एम्स में जाएंगे, कौन से थाने मेकाहारा में आएंगे और जिला अस्पताल में क्या संभव है, तो इस हिसाब से सरलीकरण करके और रिपोर्ट के आदान प्रदान में दिक्कत ना आए हर महीने इसकी समीक्षा बैठक भी विभाग लेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान से इथेनॉल बनाने के संबंध में चर्चा की गई। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने प्रश्नकाल में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री से 30 जनवरी 2021 तक की स्थिति को लेकर इथेनॉल उत्पादन पर सवाल पूछा, जिसका आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने लिखित जवाब दिया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, धान से इथेनॉल बनाए जाने को लेकर केंद्र से अनुमति का इंतजार है, जैसे ही केंद्र से अनुमति मिलेगी ये काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, मैंने जो मूल प्रश्न लगाया था कि आपने जो एमओयू किया है वो चावल से एथेनॉल बनाने के लिए एमओयू किया है, तो उन्होंने मेरे को जवाब में ये दिया कि धान से हमने एथेनॉल बनाने के लिए एमओयू किया है। विश्व में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिस टेक्नोलॉजी में धान से एथेनॉल बनता है, चावल से और सड़े चावल से एथेनॉल बनेगा, तो इनको यह पता ही नहीं है। फिर मंत्री जी ने यह बात को एक्सेप्ट किया कि हमारे पास सड़ा चावल है, उस सड़ा चावल को हम देंगे, वो भी बात की क्लियरिटी नहीं है कि वो सड़ा चावल को कब देंगे, किस दर पर देंगे, कितना चावल देंगे। मूल बात यह है कि इनका जो एमओयू है उस एमओयू में यह नहीं लिखा है कि जिनके साथ इन्होंने एमओयू किया है उनको ये 7 एजेंसियों को, 7 उद्योगपतियों को यह धान देंगे। अगर यह धान देंगे तो उन लोगों को एक्स्ट्रा मिलिंग का यूनिट लगाना पड़ेगा, और जब धान से वो चावल बनाएंगे और चावल से एथेनॉल बनाएंगे तो अतिरिक्त लागत लगेगी, और जब अतिरिक्त लागत उनको लगेगी तो वो एमओयू सक्सेसफुल होने वाले नहीं है। एथल का भी उठा, हम लोग धान के एथल लगाएंगे, डीजल पैदा करेंगे, लेकिन भारत सरकार अभी तक अनुमति नहीं दिया, उनको छिपाने काम, घुमाने काम किए उनको। हम लोग मैं जवाब दिया हूं कि भारत सरकार से धान का एथल बनाने का अनुमति दिलाए, छत्तीसगढ़ का किसान का धान, छत्तीसगढ़ किसान का कटोरा है, उनको लाभ होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने नए सिरे से महिला कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत बताई है। महिला कांग्रेस की बैठक में उनका कहना था, हम महिलाओं के कारण चुनाव जीतते और हारते हैं, इसलिए 50 से 60 गांव में महिला कांग्रेस को मजबूत करें। आज के दौर की राजनीति बदल गई है, हमारी लड़ाई बीजेपी के धनबल, प्रशासनिक दबाव और संगठन से है, महिलाओं को बीजेपी की हकीकत बताकर सच्चाई का साथ देने के लिए प्रेरित करें। यह मैं बात याद रखनी है, हम अगर 10 साल पहले की राजनीति की कोशिश करें हम कभी सफल नहीं हो सकते, बहुत अंतर है। बहुत सारी महिलाएं जो 10 साल पहले सक्रिय थी अब सक्रिय नहीं है, उतनी सक्रिय नहीं है, पारिवारिक स्थिति बदल जाती है, स्वास्थ्य बदल जाता है, तो कैसे नई टीम बनाई जाए, ये आप सबके सामने चुनौती है। हम 50 बूथ चुने 60 बूथ चुने कि ये बूथ की जिम्मेदारी महिला कांग्रेस की है, हम महिलाओं को जोड़ेंगे, बड़े गांव में महिला कांग्रेस बनाएंगे, और हम 50-60 और ग्वालियर के गोलाका मंदिर क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने 3 युवकों पर कट्टों से फायर कर दिया। बदमाश फायर करते हुए भाग गए। घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। जिस
कुंडी बिहार कॉलोनी फेस वन भिंड के रहने वाले एक फरियादी ने आके बताया कि जब वह यहाँ पर पटरी रोड गोले के मंदिर के पास से गुजर रहा था तो एक बोलेरो में से आके तीन लोगों ने उस पर जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किया है और तीनों आरोपी नामजद उसने अपने शिकायत में बताए हैं और इस पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है। मामला भी भेजना है। अगली खबर की बात करते हैं। जबलपुर की साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने 2018 में 2020 तक गुम हुए करीब 1200 मोबाइल को बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा। इन मोबाइल की कीमत करीब 1,40,00,000 रुपए बताई जा रही है। 2021 में भी 109 मोबाइलों को साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा। जबलपुर साइबर सेल और क्राइम ब्रांच जो गुम मोबाइल के संबंध में लगातार पतारसी करते हुए प्रयासशील रहती है। वह मुझे बताने में खुशी हो रही है कि 2018 से 2020 अगर देखा जाए तो करीबन 1200 के करीब जो गुम मोबाइल हैं वो आवेदकों को वापस किए गए, जिनकी कीमत करीबन 1,40,00,000 के करीब थी। 2021 की अगर बात की जाए तो प्रथम चरण में 109 मोबाइल्स जस्ट अभी हमने जो उनके आवेदक थे जिनके मोबाइल खो गए थे उनको आज बुला करके यहाँ वापस किए गए, जिसकी अनुमानित कीमत करीबन 13,58,000 है। उन्नाव के सफीपुर में मकान निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी महिलाओं ने झगड़ा किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी। ब्रेक के बाद अगली खबर की बात करते हैं। सदन के भीतर कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया। इसको लेकर मंत्री मोहन यादव का क्या कुछ कहना था वो आपको सुनवाते हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपेश जैन। हमारे साथ मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी। मोहन जी, आज कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, तमाम विधायकों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, कांग्रेस तो हमेशा सांप मरजा निकलने के बाद में लकीर पीटने का काम करती है। उनकी सत्ता में रहते हुए उन्होंने कोई वैकल्पिक व्यवस्था पेट्रोल की नहीं की। भारत के समय में आप नाटक कर रहे हैं, जनता बहुत अच्छे से जानती है। और ये बात भी सही कि प्रधानमंत्री हमारे गेट्स पेट्रोलियम मंत्री सब लोग शुरू से कह रहे हैं कि हमको वैकल्पिक ऊर्जा पर जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये बात जमने वाली नहीं है। कोई तात्कालिक मामला नहीं है, दीर्घकालिक नीति बना करके निपट सकते हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि उत्तर भारत के लोगों को मुद्दों की समझ नहीं होती, आपके राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहें? राहुल गांधी जब भी उठाते हैं मुंह खोलते हैं तो उनको लगता है उनकी पार्टी के लोग इन पर भरोसा नहीं करते, उन पर विचार नहीं करते, तो दूसरा कोई क्या करेगा। इसके अलावा एक और छोटा सा कमेंट सर, कि कहा गया कि मंदिरों की सरकार है हमारी सरकार, आपके पार्टी के लोग अब आज हमारे चर्चा के दरमियान विधानसभा में यह विषय आया था कि आप तो मंदिर वाले, तो हमने कहा हाँ हम 1,00,000% मंदिर वाले हैं, ये आप अगर मंदिर वाले नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, आपको समझना चाहिए। तो ये कहा है मोहन यादव जी ने, उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के वैकल्पिक समाधान ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि ये दीर्घकालिक समस्या है, इसका तत्कालीन समाधान नहीं हो सकता। और राहुल गांधी जी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। कैमरामैन अवेस के साथ डीएनए न्यूज के लिए दीपेश जैन। तो वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पूर्व मंत्री तरुण भनोत से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपेश जैन ने। साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट जी। सर, आज पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन किया है, क्या आपको उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल का दाम कुछ कम हो? देखिए, उम्मीद क्यों नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इसलिए नहीं है कि हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम आप कम कर दें, ये मध्य प्रदेश की आम जनता चाहती है। कोविड के कारण पहले से परेशान है, दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, महंगाई उसके कारण बेतहाशा बढ़ रही है, लोग अपने बच्चों के स्कूल की फीस तो भर नहीं पा रहे हैं, है ना, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, किसान परेशान है, और उसके बाद अगर इस प्रकार से गैस की अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि होगी तो लोगों का जीवन कठिन हो रहा है, और ये हमारा विपक्ष में होने के नाते कर्तव्य बनता है कि हम इसका विरोध करें। बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं विपक्ष को सरकार से? देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जो अभी सामने नहीं आई है। सरकार का बजट आ जाए,
बजट सदन में प्रस्तुत हो जाए, हम उसकी समीक्षा कर लें, उसके बाद उसमें कहें तो बेहतर होगा। बल्कि हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि सर्वजन के ध्यान में रखते हुए बजट बनना चाहिए, सबके लिए उसमें कुछ न कुछ होना चाहिए। आज जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिलना चाहिए बजट। सिंगरौली जिले के नवा नगर से एक बेहद शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां शराब के नशे में धुत एक युवक ने 70 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। मामले के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त बुजुर्ग महिला अपने खेतों पर काम कर रही थी। थाना क्षेत्र में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो गेहूं के खेत में काम कर रही थी, पड़ोस के गांव का राजेश साकेत जिसको 28 साल है, उसके द्वारा खेत में अकेला पकड़ महिला के साथ दुष्कृत किया गया था, जिसकी रिपोर्ट महिला द्वारा थाने में की गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार किया है, जिसे न्यायालय पेश किया गया था, जहाँ से उसे न्यायिक कक्षा में भेज दिया गया। आरोपी की मानसिक स्थिति अच्छी है, ऐसा ज्ञात हुआ। आरोपी से पूछताछ किया था तो बता रहा था वो शराब के नशे में था, जिस कारण ये घटना हुई है। लखीमपुर से लापता हुई छात्राओं को पुलिस ने 30 घंटे के अंदर उत्तराखंड से सकुशल बरामद कर लिया है। ये छात्राएं 20 फरवरी से लापता थीं। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने छात्राओं को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से बरामद किया, जिन्हें लखीमपुर लाकर उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सिटी एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की। चार छात्राएं अपने घर से अपने कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन कॉलेज ना जाकर वो कहीं चली गई थी, लापता हो गई थी। इस संबंध में थाना सदर में तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और पुलिस के द्वारा लापरवाह सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन, मोबाइल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचना जुटाई गई और आज सभी चारों छात्राओं को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के मुनि की रेती थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया गया है। हमारी पुलिस टीम चारों छात्राओं को वापस लेकर जिले के लिए प्रस्थान कर रही है और जो टीम जिसने ये उत्कृष्ट कार्य किया गया है, उस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया। उज्जैन जिला कलेक्टर ने जिला अस्पताल प्रबंधन को पुरानी लिफ्ट को बदलकर नई लिफ्ट लगाने के आदेश दिए हैं। पुरानी लिफ्ट के बंद हो जाने से लोगों और मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। डीएनएन ने इस मामले को जिला कलेक्टर के समक्ष प्रमुखता से उठाया था, इसके बाद नई लिफ्ट लगाने के आदेश दिए गए। लिफ्ट है वो अपनी अवधि पूरी कर चुकी है, उस पर हमको नई लिफ्ट लगवानी है। उस संबंध में सिविल सर्जन साहब को निर्देश दे दिए गए, बहुत जल्दी ही नई लिफ्ट वहाँ पर क्रय करके जिस भी तरीके से इंस्टॉल होगा करना होगा वो करके हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे। पुरानी लिफ्ट अब वहाँ पर काम नहीं कर सकते। और उज्जैन की घटिया तहसील में एक महिला और उसके दो बच्चे आग की चपेट में आकर झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसके दोनों बच्चों की हालत गंभीर है, जिन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया है। घटना ग्राम बिचडोह की बताई जा रही है, जहां खाना बनाते समय महिला और उसके बच्चे आग के अचानक भभक उठने से झुलस गए थे। खाना बना रहे हूं, मसाले डाल रहे हूं, बच्चे थी तो बेटी और एक को ले गया। घटिया बिचडोह से 3 मरीज आए हैं, जिनका केरोसिन के स्टोव से भपका जलने से जो है वो बॉडी पे बर्न आए हैं और वो जिसमें से 2 बच्चियां हैं और एक महिला है और बच्चियां जो हैं वो उनको रिफ़र करा जा रहा है यहाँ से इंदौर। उनकी हालत गंभीर हो रही है इसलिए, और उनका जो है बर्न वार्ड में इलाज चल रहा था। 15% बर्न जो है वो महिला को आया है और 25% एक बच्ची को आया है और 16% एक बच्ची को बर्न आया है शरीर में। हीरा नगरी पन्ना की उथली खदान में एक बार फिर बेशकीमती हीरा निकला है। इसकी वजह से खदान में काम कर रहे 7 गरीब मजदूरों की किस्मत चमक गई है। बता दें कि कृष्ण कल्याणपुर पट्टी की हीरा खदान से 14.9 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है, जिसे हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 70 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। इस खदान को 7 गरीब मजदूरों ने मिलकर खरीदा था। पन्ना कलेक्टर ने खुद हीरा कार्यालय पहुंचकर 7 मजदूरों को माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। मजदूरी करते थे तो हमने सोचा कि हम खदान खोद के देखें, शायद बंसी वाली सुन ले, तो हमने फिर पट्टी में खदान लगाई, पट्टा बनवाया, फिर काम किया। सर 1.25 महीना करीब हो गए।
कितना कैरेट का हीरा मिला आज? 13 तारीख का काम चालू करो। कितने कैरेट? 14 कैरेट 9 सेंट का। सब बहुत खुशी है हमारे पार्टनर को, हमको और सबको। दे भगवान बंसी वाले, हम तो का गरीबों को। ये अभी ये 7 लोगों के सामलात में इन्होंने खदान कराई थी, जिसमें से इनको एक हीरा मिला है। 14.09 कैरेट का हीरा मिला हुआ है, जो कृष्णा कल्याणपुर की पट्टी करके एक एरिया है इनका, वहाँ पर इनको मिला हुआ है। और ये मूलतः राम प्यारे विश्वकर्मा करके हैं जिनको यह हीरा मिला हुआ है। यह जेम क्वालिटी का उज्जवल हीरा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे शासन को अच्छी खासी राजस्व की प्राप्ति होगी और संबंधित तुएदार को भी अच्छा खासा राशि प्राप्त होगी। देखिए, पन्ना जिला जो है रत्नगर्भा यहाँ की धरती है, निश्चित ही यहाँ हीरा लोगों को मिलता है। अभी 3 दिन पहले हमारे एक 7.64 कैरेट का हीरा मिला, आज बहुत खुशी की बात है 14 कैरेट का हीरा मिला है श्री राम प्यारे विश्वकर्मा जी। ये NMDC कॉलोनी नया पुरवा के रहने वाले हैं। जैसा कि इनसे बात हुई कि अभी 1.5 महीने से ये लोग 7 लोग ये खदान में काम कर रहे थे, इनके कहने के छनाई और बाकी के दौरान ही इनको इतना बड़ा हीरा मिला है, तो निश्चित ही बहुत खुशी की बात है और इनको एक अच्छा मूल्य इस हीरे के मिले। हीरे की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी है, तो बाकी लोगों से भी अपील है कि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं वो लोग भी मन लगा के इसको सावधानी तरीके से करें, ताकि अधिक से अधिक हीरा पन्ना जिले को मिल सके। और बहुत जल्दी ही हम लोग मार्च के द्वितीय हफ्ते में इनकी सबकी नीलामी कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। GNN पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।